तो ये लो दोस्तों, चेक कर लो भाई, जो मैं कहता हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ। देख लो, अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी और भाई अब चिलचिला के धूप निकल आई है, ऊपर की तरफ देखा भी नहीं जा रहा, इतना भयंकर, और अभी झमाझम बारिश हो रही थी। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 7:30 बजे नहा धो के रेडी हो चुके हैं, चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। तो जल्दी से अपना ब्लॉग और अपना धुन दोनों शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए निकलते हैं यहाँ से। और गाइस भाई, रह रहे कि बारिश हो रही है 2-3 दिनों से, बूंदाबांदी वही गाड़ी को गंदी कर जाती है। और ये हमारी दोनों भतीजिया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ गई मुझसे पहले ही आ जाती है, मैंने कहा था भाई मुझसे पहले आने लगेंगी, और आने शुरू हो चुकी हैं। ये कल भी आई थी, आज भी कहाँ चढ़ रही है, गिरेगी, लग जाएगी ये भाई, इनका नहीं आते ही हो गया ड्रामा शुरू, हाथ पैरों में लग जाएगी, मर जाएगी। अभी ना दोस्तों ऐसा समय चल रहा है कि इस समय पे बरसात, आंधी और गर्मी तीनों का कॉकटेल चला हुआ है। एक मौसम तो जो परमानेंट है अपने मौसम के हिसाब से, वो तो है ही गर्मी वाला, आंधी और बरसात आपके सामने कब आ जाए आपको कोई पता नहीं है भाई। सारा दिन गर्मी पड़ती है और अचानक से आंधी और बरसात आ जाती है, मौसम का कोई हलचल नहीं है भाई, परमानेंटली या पूरी यकीन के साथ कोई नहीं कह सकता कि गलते बर्बाद कौन सा मौसम होगा, पूरी पूरी हालत खराब कर रखी है। कल भी पूरा दिन गर्मी पड़ी थी भयंकर वाली, और दोपहर बाद से अचानक से आंधी आई और बरसात भी हो गई, और बरसात भी इतनी होती नहीं है कि मौसम ठंडा हो जाए, 2-4-6 बूंदें पड़ती हैं, उससे नीचे की जमीन की जो उमस है वो भी बाहर आती है, तो और ज़्यादा गर्मी लगती है भाई। और जैसे ही बरसात होती है हवा भी बंद हो जाती है, इससे अच्छा तो एक ही मौसम रहे वो अच्छा है यार। चलिए धौली पे निकल आए, मथुरा जंक्शन पहुँचते हैं, देखते हैं संडे का दिन कैसा जाएगा। सुबह सुबह मथुरा जंक्शन पहुंचने के साथ ही पहली सवारी मिल गई थी वृंदावन के लिए, और इतनी खुशी हुई थी कि आते के साथ ही पहला चक्कर मिल गया है। तो भाई जैसे ही मथुरा जंक्शन से निकले, पहले तो जो रेलवे क्रॉसिंग है वो बंद पाई, जितना भी अच्छा मूड था उसी ने ख़राब कर दिया। उसके बाद में भूतेश्वर पर जाम, जन्मभूमि पर जाम, और जैसे ही वृंदावन आए, पागल बाबा से लेकर वृंदावन अंदर घुसने के जितने भी रास्ते थे सब पे पुलिस वाले खड़े हुए, सारे रास्ते बंद है। तो भाई घूमते घूमते 3रे-4थे नंबर पर जाके 2 बार वापस कर दिया पुलिस वालों ने कि यहाँ से नहीं घुसने देंगे। फिर से पहुँचा मैं, बट पता नहीं किसी VIP की गाड़ी थी, उसके पीछे ही घुस के आ गया, पुलिस वाले आवाज़ देते हुए रह गए, मैंने मारा एक्सीलेटर सीधा अंदर। यहाँ रंगनाथ जी मंदिर के लिए सवारियाँ थी, 3 गाड़ियाँ साथ में थी, जिनमें से सबसे पहले मैं ही आया हूँ, क्योंकि चीटिंग मैंने की थी। वैसे सुमित बाबू का हमारे साथ में आए थे, उनका कॉल आ गया, वो भी घुस आए हैं। एक चाचा और हैं, उनको थोड़ी सी जानकारी कम है, तो उन्हीं की टेंशन हो रही है कि वो आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। अपन रंगनाथ जी आ गए, आपको जो शिखर ऊंचा सा मंडप दिख रहा है यही रंगनाथ जी मंदिर है, और गाड़ी में सवारियां बैठी हुई हैं, उतरने का नाम नहीं ले रही, उनको ऐसा लग रहा है कि बाकी की गाड़ियां नहीं आएंगे जब तक नहीं उतरेंगे। तो इंतजार है, वहां तो इंतजार करते और आने देते हैं उनको। तो गाइस, भारी भीड़ भाड़ और बहुत भयंकर वाले ट्रैफिक से निकल के वृंदावन से मथुरा जंक्शन आ गए हैं, और भाई वृंदावन से मथुरा जंक्शन आते आते मौसम बिगड़ गया है, अभी बारिश हो रही है। सुबह जब घर से निकल रहा था आपसे बोल ही रहा था कि मौसम की कोई गारंटी नहीं है, इस समय मौसम का कॉकटेल चल रहा है, गर्मी भी है, बरसात भी है, धूप भी है, आंधी भी है, तो कब कौन सा रूप बाहर आएगा कोई पता नहीं है। अभी बारिश हो रही है, पटपट की आवाज़ें आ रही होंगी आपको छत पे, जो बूंदे पड़ रही हैं उससे, और यार हवा रुक जाती है जब बारिश होती है, हवा रुक जाती है, जब बारिश नहीं होती तो आंधी आती है, और जब दोनों ही नहीं होते हैं तो धूप पड़ती है भयंकर वाली।
जिंदगी में टंटे हो रखे हैं भाई पुलिस की वजह से। ये सब मौसम तो झेलना खैर कुदरती है, आता जाता रहता है, लेकिन परमानेंटली जो दिक्कत चल रही है वो चल रही है पुलिस की। पूरे के पूरे वृंदावन में इतनी दिक्कत हो रही है हर जगह से। जो चोर रस्ते हुआ करते थे ना हमारे, जिनके बारे में मैं आपको बताता रहता था कि इधर से घुस जाते हैं उधर से घुस जाते हैं, लगभग हर चौराहे पे हर रास्ते पे पुलिस बैठने लगी है। सुबह हम तीन गाड़ी गए थे और तीनों गाड़ियाँ अलग अलग रास्तों से वृंदावन में घुसी। ये स्थिति है। सबसे पहले मैं पहुँचा था, मेरे बाद में सुमित भाई पहुँचे और सुमित भाई के बाद में अंकल जी पहुँचे। बारिश हो रही है ना, एक भाई साहब आके बैठ गए। मौसम का मजा आ रहा भाई साहब? बिल्कुल। कब धूप निकल आएगी, कब आंधी आ जाएगी, कब बारिश आ जाएगी, कोई पता नहीं चल रहा। तो ये लो दोस्तों, चेक कर लो भाई, जो मैं कहता हूँ झूठ नहीं बोलता हूँ। देख लो, अभी 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी और भाई अब चिलचिला के धूप निकल आई है, ऊपर की तरफ देखा भी नहीं जा रहा, इतना भयंकर। और अभी झमाझम बारिश हो रही थी, झमाझम बहुत, झमाझम बारिश के बाद झमाझम धूप। अभी इतना टाइम हुआ है, ये देखिए भाई साहब, अभी अभी गाड़ी पर जो पड़ा हुआ पानी है भाई, मैं ही पानी में चला गया था। आज ब्लू है, पानी 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 पानी, सफाई करने में लगे हुए, मतलब 2 सेकंड में मौसम पलट गया। प्रभु थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करो ना, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग, बहुत कर रही, हालत खराब है। पूरा का पूरा ब्राइटनेस खोल दिया है सूर्य नारायण भगवान ने, कंट्रास्ट और चमक थोड़ी सी कम कीजिए। देखो ना इधर बच्चे हम छोटे छोटे, ये बड़बड़ाने लग रहा है इसकी, सुन लो भाई क्या बड़बड़ा रहा है। मैं थोड़ी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दिए ना पुलिस को, थोड़ा कम करें, डाउन करें। अब हमको नहीं जानी, एकदम से ब्राइटनेस बढ़ा दिया जी। बोल रहा अबे बारिश होने के बाद और ज्यादा गर्मी हो गई भाई, और ऐसा मौसम होता है ना ज्यादा दिक्कत इसमें होती है भाई। बारिश हो गई, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती, मजा आता रहता। बारिश के तुरंत बाद ही धूप निकल आती है, हवा हो जाती है बंद। अब देखो पसीने आएंगे बुरी तरह से, टंटे हो रखे हैं लाइफ में, पूरी गाड़ी गीली हो गई, हम गीले हो गए और धूप निकल आई। दोनों की दोनों बहनें कैसे पड़ी हुई हैं, देखो मोबाइल लेके ऐसे पड़ जाते हैं ये लोग। क्या कर रही हो कबूटलू, क्या हो रहा है, फोन देख रहे हैं? बस भाई आजकल के बच्चे भी YouTube पे ही लगे रहते हैं, शॉर्ट वीडियो चल रहे हैं इनके। दोस्तों हमारा जो है ना शुक्रवार शनिवार और इतवार, 3 दिन इतने स्मूथ चलते हैं कि अगर पुलिस की दिक्कत ना हो ना तो पता ही ना चले कि दिन कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। वैसा ही भाई आज का भी दिन था, संडे का, सुबह से लेके शाम तक कब कब में टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। और कल की तरह ही मैं शायद 5:30-6 बजे करीब में निकल के आया था, और कल जैसे आते के साथ ही मेरे को सवारियां मिल गई थी, वैसे ही आज भी मिल गई थी। कल मेरे को प्रेम मंदिर की सवारी मिली थी, आज मिली थी गौरी गोपाल की। सवारियों को छोड़ के वापस मथुरा जंक्शन पे आ चुका हूँ। जाम की तो वही स्थिति है जो रोजाना रहती है, अब कल से जाम खत्म होना शुरू होगा। 3 दिन तो भयंकर रहता ही रहता है। तो भाई केवल ये 3 दिन ट्रैफिक ना हो ना और पुलिस की दिक्कत ना हो, इन जैसा मज़ा नहीं आता काम करने में, क्योंकि सवारी बहुत निकलती है, काम मिलता रहता लगातार। कल से यहाँ खड़े खड़े बातें करेंगे आपसे, आज जो बिजी दिन था वो ख़त्म हो चुका है। शाम के अभी 8:15 बजे हुए हैं, मेरे मित्र हैं सुमित बाबू, मेरे साथ ही वृंदावन गए थे, मुझे संकेत सवारियाँ मिल गई, जैसे ही पहुँचा तुरंत ही सवारियाँ वापसी की मिल गई थी, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लग गया, तो उनकी कॉल आई है कि भैया मैं मसानी चौराहे पे आ गया हूँ, घर मत निकलना, आने के बाद दोनों साथ में चलेंगे। तो उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ, आ जाए फिर निकलेंगे। और भाई दिन अच्छा रहा है आज का, टोटली जितना सोच के आया था उतना तो नहीं हुआ, फिर भी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता यार, जितनी कमाई हो जाए पेट नहीं भरता। ऑटो ड्राइवर की एक खासियत होती है, कितना भी कमा लें कभी ये नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा कोटा पूरा हो गया, ये काम ही ऐसा है, गोल पहिया होता है, चलता ही रहता है, कभी कोना तो है नहीं जो अटक के पूरा हो जाएगा, चलता ही रहेगा। वैसा ही इनका पेट हो जाता है ड्राइवर लोग का, कितना भी कमा लें कभी पेट नहीं भरता भाई। हमारे सुमित बाबू आ चुके हैं और भाई साहब पानी के पाउच और ले आए, ठंडे ठंडे मौसम में ठंडे ठंडे पाउच। आइए क्या है, राधे राधे मैडम जी। राधे राधे। क्या चल लिया है? सामान निकाल रही हो? किसका? अपना।
का चोरी करना है किसी ने? क्या कुतुल पुतुल नंगे बाबा, नंगा ही नंगा ही रहता है। राधे राधे। क्या हो रहा है? भाभी जी घर पे रहे, देख रहे हैं। तो गाइस संडे का दिन भी खत्म होने को जा रहा है, रात के 10:30 बज चुके हैं। और भाई आज हमारी देखिए टिल्लू मेरे कमरे में सो गई है, इससे पहले कब्बू भी सो रही थी। कब्बू को मंगू उठा के उसकी मम्मी के कमरे पे छोड़ा है, लेकिन टिल्लू थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मंगू से उठी नहीं तो ये सोती रह गई है। और भाई आज का दिन स्टेशन पर था तब भी बता रहा था, वैसे तो ठीक ठाक ही रहा, हालांकि जितना काम निकल रहा है जिस लेवल का काम था उस लेवल के हिसाब से काम मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि वृंदावन का जो हाल है ना बहुत बुरा हो रखा है। जगह जगह पे पुलिस ने बैरियर लगा रखे तो एक दो चक्कर ज़्यादा लग सकते थे, वो बैरियर्स की वजह से और टाइम लगने की वजह से थोड़ा सा कम रह जाता है। तो अभी दिक्कत चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी। परेशान तो जितने भी गाड़ी वाले ना मथुरा वृंदावन में सारे के सारे हैं भाई पुलिस से, और पुलिस को भी दोष नहीं देते हैं क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा हो गई है, पब्लिक इतनी ज़्यादा आ रही है। अगर सारी की सारी गाड़ियाँ वृंदावन में घुस जाए ना तो भाई पैदल चलने वालों को भी जगह नहीं बचेगी। और फिलहाल में इस महीने में जितने भी लोग वृंदावन घूम के गए हैं उन सभी को पता होगा कि ट्रैफिक का क्या खतरनाक वाला हाल हो रखा है, बहुत भयंकर है। खासतौर से फ्राइडे सैटरडे संडे में तो समझ लो प्रेम मंदिर और बाकी भैरी दो जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों को घुसने और निकलने तक की जगह नहीं मिलती, बहुत भीड़ रहती है। तो जब भी आना सोमवार से लेके थर्सडे तक, मतलब सोमवार से गुरुवार तक आप आइए तो चैन के दर्शन हो जाएंगे और चैन से शांति में आप घूम सकते हो। फ्राइडे सैटरडे संडे तो भाई धक्का मुक्के, एक धक्के में अंदर और दूसरे में बाहर, चैन तो छोड़ दीजिए। फिलहाल 10:30 हो चुके हैं, खाना पीना खाने की तैयारी, खाना हमारा रखा हुआ है। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।